तो माहौल तो यहाँ के लोगों से मिलेगा, माहौल यहाँ की सरकार से मिलेगा। आज भी आप माने तो एक बार लोग सोचते हैं यहाँ आने से पहले, एक बार ज़रूर सोचते हैं कि अच्छा बिहार शूटिंग कैसे कर पाएंगे आप। आज के डेट में अगर शाहरुख खान साहब कह दें कि भाई मैं 100 लोगों की टीम के साथ बिहार में शूटिंग करना चाहता हूँ, आप नहीं उनको हैंडल कर पाएंगे। मैं जहाँ से मैं जितनी बातें मुझे लगती हैं, मैं परसों ही एक नरेशन से निकला था तो जो उसके डायरेक्टर थे तो उनके साथ ये हादसा हुआ था। शायद एक आदमी आया और अब मैं ये आज तक मतलब बिहार तक के माध्यम से फिर बात बहुत आगे चली जाएगी और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो आज भी लोग ये मानते हैं, आप माने या नहीं माने, हर बिहारी को ख़राब लगेगा ये सुनने में जितना मुझे लगा था कि यार ऐसे कैसे यार, अब का तो बिहार बदला हुआ है। लेकिन नहीं, वो डर के मारे फिर चले गए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं यार यहाँ शूटिंग करनी बहुत मुश्किल है। इंडिया पॉजिटिव की ओर से बिहार में यूथ कॉन्क्लेव होना है और हमारे साथ मनीष सिन्हा है, इस यूथ कॉन्क्लेव को करवा रहे हैं, और क्रांति प्रकाश झा जो बॉलीवुड एक्टर है वो है हमारे साथ में। पहले मनीष सिन्हा से बात करेंगे, क्या मोटिव है इस? 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग कल बिहार यूथ कॉन्क्लेव पटना में ज्ञान भवन में आयोजित कर रहे हैं। ये यूथ कॉन्क्लेव पूरी तरह यूथ पर फोकस्ड है और यूथ से जुड़े हुए जितने भी इकोसिस्टम में लोग हैं सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। उसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग EY या एक्सेंचर, ये खाली बिहार के नहीं, ये खाली भारत से नहीं, पूरे विश्व से लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा स्टार्टअप वर्ल्ड पर हमारा काफ़ी बड़ा फोकस है, जो बिहारी यहाँ से स्टार्टअप स्टार्ट किए या बिहार से बाहर जाके स्टार्टअप किए और बड़े बड़े कंपनी बनाए, वैसे कई लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, जो वर्ल्ड ओवर रहते हैं, जो डायस्पोरा है हमारा, हम चाहते हैं कि जो हमारा डायस्पोरा है वो काफ़ी एक्टिव हो और वो डायरेक्टली बिहार के यूथ के साथ इंगेज हो और बिहार के यूथ के डेवलपमेंट में काम आए। तो हमारे डायस्पोरा जो US में है, जो UK में है, जर्मनी में है, दुबई में है, सिंगापुर में है, इस डायस्पोरा के लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और उनके साथ बॉलीवुड के जो बिहारी मूल के लोग हैं, जैसे क्रांति जी आए हुए हैं और नीतू जी हैं, ये लोग जब स्टेज पे कल जाएंगे और अपने बिहारीपन के बारे में बात करेंगे और कैसे एक बिहारी होके वो इतने ऊपर तक गए, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे और यूथ को मोटिवेट करेंगे कि उनको डायरेक्शन देंगे। और हमारे साथ रहेंगे संजय जायसवाल जी, सैयद शाहनवाज जी और मिनिस्टर ऑफ IT जिबेश जी रहेंगे। तो ये सारे लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म का ज़माना है और प्लेटफॉर्म से ही हम यूथ को सपोर्ट करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। क्रांति से बात करेंगे, आप बताइएगा जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी का, पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, तो ये यूथ कॉन्क्लेव कितना फ़ायदा होगा? सर ये तो जब सभा की जाएगी, सभा में लोग आएंगे, बातचीत होगी, उसके बाद ही पता चल सकता है। फ़ायदा कोई पुड़िया नहीं है, कोई आपने डब्बा खोला पैकेट खाए और आपको नौकरी, ऐसा नहीं है। बातचीत के ज़रिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहारी आगे बढ़ जाता है, बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ता। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका क्या कोई योगदान रहता है, तो मेरा योगदान यही रहता है सर कि मैं अपनी तरफ से, जो मैं हिंदी फिल्म जगत से मैं आता हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या कर सकूँ। जैसे मैंने अपनी क्षेत्रीय भाषा की 2 फिल्में की हैं, वो मेरा योगदान हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग आएँ शूटिंग करने के लिए, पर ऐसा माहौल कैसे मिलेगा? तो माहौल तो यहाँ के लोगों से मिलेगा, माहौल यहाँ की सरकार से मिलेगा। आज भी आप माने तो एक बार लोग सोचते हैं यहाँ आने से पहले, एक बार ज़रूर सोचते हैं कि अच्छा बिहार शूटिंग कैसे कर पाएंगे आप। क्या डर लगता है? डर कह लीजिए, अब सुविधाएं भी तो नहीं है यहाँ पे। आप अगर देखें तो सुविधाएं, अगर आप आज के डेट में अगर शाहरुख खान साहब कह दें कि भाई मैं 100 लोगों की टीम के साथ बिहार में शूटिंग करना चाहता हूँ, आप नहीं उनको हैंडल कर पाएंगे। एक बार वो शायद आए थे इसी मौर्य होटल में, उसके बाद क्या हालत हुई थी, फिल्म के प्रमोशन वो क्या स्थिति हुई थी हमें भी पता है, पूरी की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सब कुछ खराब हो गई थी, कैसे आप शूटिंग करोगे। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वेब सीरीज़ बनती हैं, अगर आप देखें तो एक नया आयाम निकला है मनोरंजन का, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत नए लोग भी आके यहाँ शूटिंग करना चाहते हैं, पर वो आने से डरते हैं, आ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि क्या मिलेगा, कैसे करेंगे, और फिल्म पॉलिसी नहीं कोई यहाँ पे, जो कि होनी चाहिए। ये डर तो 15-20 साल पहले था, लेकिन आपको लगता है ये डर अभी भी है? मैं जहाँ से मैं जितनी बातें मुझे लगती हैं, मैं परसों ही एक नरेशन से निकला था तो जो उसके डायरेक्टर थे तो उनके साथ ये हादसा हुआ था। शायद एक आदमी आया और अब मैं ये आज तक मतलब बिहार तक के माध्यम से फिर बात बहुत आगे चली जाएगी और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो आज भी लोग ये मानते हैं, आप माने या नहीं माने, हर बिहारी को ख़राब लगेगा ये सुनने में जितना मुझे लगा था कि यार ऐसे कैसे यार, अब का तो बिहार बदला हुआ है। लेकिन नहीं, वो डर के मारे फिर चले गए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं यार यहाँ शूटिंग करनी बहुत मुश्किल है। अभी 2 दिन पहले का वाक्य है, जिस तरीके से जो युवा है वो पढ़ाई लिखाई करते, तैयारी करते और BPSC का पेपर लीक हो जाता है।
आप सोचिए कि हमारे ज़माने में भी, मतलब ज़माना कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं, 1947 की बात है, कुछ सालों पहले की बात है, तो उस टाइम भी ऐसे ही होता था, आज भी ऐसे ही होता है, तो ये आखिर मामला फंसा कहाँ पे? ये तो भाई अब सब लोगों को जानने की ज़रूरत है ना, और नहीं हो तो सड़क पर निकलना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये कब तक बिहार के साथ नहीं होता में इस तरह की चर्चा होगी आपकी? नहीं नहीं, इस तरह की क्रांतिकारी वाली चर्चा नहीं होगी, पर मैं अपनी बातें साझा करूंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही। मैं यहीं गली इसी गांधी मैदान में खेलने कूदने आता था, वहाँ से कैसे साइंस कॉलेज से लेकर फिर दिल्ली गया, दिल्ली से कैसे बॉम्बे गया, मेरे अपने जीवन की कहानी, और उसमें कुछ मुझे सीखने को मिले तो बहुत अच्छा, कुछ मैं लोगों को बता पाऊँ वो भी बहुत अच्छा, पर कोशिश यही है कि बिहार आगे बढ़े बिहारियों के साथ साथ। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये बॉलीवुड एक्टर क्रांति प्रकाश झा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी बिहार में लोगों को डर लगता है। हालांकि कल यूथ कॉन्क्लेव है, उसमें बाकी चर्चा ये लोग यूथ से करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।